अकेलू जाके कार्तिक को बुला के ले उसे कहो कि ब्रेकफास्ट के लिए हम वेट कर रहे हैं। जल्दी जाओ सबको खुश रखने वाला होता था, पर अब बिकॉज उसका प्यार उसको छोड़ के जा चुका है तो ही इज क्राइंग और बहुत मिन्नतें कर रहा है कि जिया वापस आ जाए उसकी ज़िंदगी में। कोशिश कर रहा है पर वो हो नहीं रहा है। बस उसकी यही कोशिश है, पहले जिया को मनाने गया, फिर मौसी से पूछने गया कि आपने ऐसा क्यों किया, कि आपने जिया को मुझसे दूर क्यों किया। तो उस सब में आजकल कार्तिक का थोड़ा रोने वाला फेस चल रहा है। तो इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में ये हो रहा है कि जब पूरा वो कुसुम मौसी को मैंने कन्फ्रंट किया कि आपने ऐसा क्यों किया, सो वहाँ से मैं एंड में फ्रस्ट्रेट होके निकल आया तो मुझे मंगल भाभी मिली। अब मंगल भाभी मिली तो मैं उनको नहीं दिखाना चाह रहा कि एक्चुअली सिचुएशन क्या है, तो उनसे मैं मतलब इनडायरेक्टली कह रहा हूँ कि सब खत्म हो चुका है, कुछ बचा नहीं है, मैं बर्बाद हो चुका हूँ, ये सब वो सब। उसी बीच मैं बोलने ही वाला होता हूँ जिया की स्टोरी तो मॉम आ जाती है एंड मॉम डजंट वांट कि मैं बताऊँ कि क्या हुआ है, तो वो फिर इंटरवीन कर रही है बीच में ताकि सच पता ना चले। तो बेसिकली सीन में ये हो रहा है। देखिए ऑब्वियसली बात आगे जाके खुलेगी ज़रूर, पर अभी नहीं खुल पा रही है बिकॉज कुछ अब है स्क्रीन प्ले ऐसा लिखा गया कि अभी नहीं पता चलना चाहिए, ये आगे जाके ही पता चलना चाहिए, तो ऑब्वियसली उन्हें बिल्कुल पता चलेगा। और आगे क्या देखने को मिलेगा? आगे देखने को आपको कार्तिक की एक क्या कह सकता हूँ, अब फिलहाल तो वो हो गया, तड़प तड़प के दिल से हार निकलती गई वाला सिचुएशन चल रहा है। तो इसके आगे क्या होगा, ऑब्वियसली बोलते हर एक बैड फेज के बाद एक अच्छा फेज आता है। आई होप कि कुछ अच्छा लिखे राइटर्स मेरे को लेके, ताकि एक ग्राफ भी दिखे कि फ्रॉम सैड टू हैप्पी वो पूरा ट्रांजिशन कैसा होगा। तो उसके लिए आप सबको देखना पड़ेगा मंगल लक्ष्मी को। फैंस और व्यूअर को क्या मैसेज देना चाहिए? फैंस को मतलब मैं जितना थैंक यू करूँ उतना कम है, हमारे शो को इतना ज़्यादा प्यार कर रहे हैं हम, मतलब TRP हमारी बहुत अच्छी आ रही है एंड हम अपनी साइड से पूरा कोशिश कर रहे हैं, एक्स्ट्रा आवर्स भी शूट कर रहे हैं जस्ट ताकि हम आपको एक फुटेज डिलीवर कर सकें जो जिससे आप खुश हो पाए। तो अपनी साइड से हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको एंटरटेन करने की और आपको अच्छा भी लग रहा है, तो बस ये गिव एंड टेक है जो हमारा और ऑडियंस का है।